मानहानि मामले में राहुल गांधी को सजा होने के बाद संसद से सदस्यता रद्द करने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने देश भर में संकल्प सत्याग्रह किया। शिमला में भी कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर राहुल गांधी के लिए संकल्प सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित विधायक और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सत्याग्रह के बाद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रिज से लेकर लिफ्ट तक विरोध स्वरूप कैंडल मार्च भी निकाला गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और राहुल गांधी लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए केंद्र की तानाशाह सरकार उनको जानबूझकर साजिश के तहत प्रताड़ित कर रही है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या के समान है। मोदी सरकार राहुल गांधी की कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई है और यही वजह है कि जानबूझकर राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। संसद में तो मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबा सकते हैं, लेकिन जनता की अदालत में राहुल गांधी की आवाज दबने वाली नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी है। इसी के साथ सीएम ने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सभी दलों को एकजुट होकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा होना होगा, तभी देश के लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। आज हम महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के नीचे इसलिए भी बैठे हैं कि हजारों साल की गुलामी के बाद हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का एक सपना था कि लोकतंत्र इस देश में स्थापित होना चाहिए, जहां विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। आज उस लोकतंत्र की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम लोग आज इस प्रतिमा के नीचे बैठे हैं कि जिस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र से राहुल गांधी जी के दोषी करार देकर और 24 घंटे में उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी, वो लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है, मुख्य विपक्षी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, सबसे बड़ी पार्टी, विपक्षी सबसे बड़ी पार्टी, बेशक सत्ता पक्ष है लेकिन सबसे बड़ी पार्टी आज कांग्रेस पार्टी है। उसके नेता को बिना किसी कारण के मौका भी नहीं दिया गया और उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। सदन में तो आप उनकी आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जनता की अदालत में उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। आज हर कोने में राहुल गांधी जी के सिपाही खड़े हैं और इस दृष्टि से कि ये गलत चीज हुई है, कांग्रेस पार्टी इसका पूरा विरोध करती है। राहुल गांधी जी ने जब से कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा की, हम लोग भी उसमें शामिल हुए, जिस प्रकार का हजूम उमड़ा उससे भारतीय जनता पार्टी ने एक हथकंडा अपनाया। इस हथकंडे के तहत कि किसी तरह राहुल गांधी जी को रोका जाए, पर राहुल गांधी जी कोई संसद के लिए नहीं, संसद के लिए, एमपी के लिए नहीं राजनीति करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के लिए राजनीति नहीं करते हैं। अगर उन्होंने देश का प्रधानमंत्री बनना होता तो 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उन्हें ऑफर दिया था। उनके घर में प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। श्रीमती इंदिरा गांधी उनके दादी थी, राजीव गांधी उनके पिता थे और उनकी माता ने, सोनिया गांधी जी ने त्याग पत्र दिया। इस दृष्टि से सोचने की बात है कि आज मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता का गला दबाया गया है। आने वाले समय में जो रीजनल पार्टियां हैं उनको भी संवाद के द्वारा एक छत के नीचे आना पड़ेगा ताकि इस लोकतंत्र को बचाया जा सके। निश्चित तौर पर किस प्रकार से उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उन पर दोष ठहराया गया और 24 घंटे के बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। कई बार सत्ता पक्ष पार्टी ये समझती है कि संसद रहने के बाद राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। पूरी कांग्रेस पार्टी उनके पीछे खड़ी है, पूरा युवा उनके पीछे खड़ा है, समाज पूरा पूरा देश उनके पीछे खड़ा है, पूरा प्रदेश उनके पीछे खड़ा है, इस आशा के साथ कि वो आज कोई भी मुखर विरोधी किसी लोकतंत्र में है तो सिर्फ राहुल गांधी जी की आवाज है। तो इस दृष्टि से आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस राष्ट्रपिता के चरणों में हम इकट्ठे हुए जिस राष्ट्रपिता ने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना की थी। आज लोकतंत्र की हत्या हुई है और हम सब कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ मंत्री और सब एक कानून के दायरे के अंदर रहकर अपना शांति मार्च कर रहे हैं और इस दृष्टिकोण से हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। हमारा विशेष संकल्प है
75 साल से ये लोकतंत्र जिंदा, इसी लोकतंत्र के कारण आज विभिन्न रीजनल पार्टियां बनी हैं, विभिन्न पार्टियों का उदय होता है। इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस प्रकार राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं, हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि उसके उस संघर्ष में हम भी अपना योगदान दें। न्यूज डेस्क एनवन लाइव।